आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके तीन पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि कॉकरोच के हर एब्डोमिनल सेगमेंट में हमें कितने स्क्लेराइट मिलेंगे। अगर कॉकरोच की हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो मेनली तीन रीजन्स में इसकी सेगमेंटेड बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इंटीरियर होता है इसका हेड, फिर होता है थॉरेक्स और लास्ट में जो पोस्टीरियर रीजन है उसको हम एब्डोमेन कहते हैं। अब ये एब्डोमेन 10 सेगमेंट से बना हुआ होता है, 10 सेगमेंट से आपस में फ्यूज होते हैं तो इसकी बॉडी का एब्डोमेन रीजन बनता है। और स्क्लेराइड जो यहाँ पे टर्म दी हुई है ये कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन के साथ रिलेटेड है। हमें पता है कि सिर्फ कॉकरोच ही नहीं बल्कि सभी ऑर्थ्रोपोड्स, सभी इंसेक्ट्स काइटिन के एक टफ हार्ड एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होते हैं। लेकिन ये पूरा एक सिंगल यूनिट नहीं होता बल्कि स्क्लेराइड्स नाम की हार्डन्ड काइटिनस प्लेट्स का बना हुआ होता है। क्योंकि अगर पूरा एक साबुत होगा तो कॉकरोच की बॉडी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, इसीलिए इस तरह की इंडिविजुअल प्लेट्स का ये पूरा एक्सोस्केलेटन बना हुआ होगा। और हम देखेंगे कि जो स्क्लेराइड्स होते हैं बॉडी की वेंट्रल साइड पे उनको हम स्टर्ना कहते हैं या स्टर्नाइट कहते हैं, जबकि डॉर्सल सरफेस पे यानी ऊपर का जो सरफेस होता है वहां पे हम इसको टर्गम या टर्गाइट कहते हैं। और इसके अलावा जो लेटरल सरफेस है यानी साइड की तरफ, वहां पर लेटरली हम इनको प्लूराइट्स का नाम दे देते हैं। तो हर एब्डोमिनल सेगमेंट में, बॉडी के हर सेगमेंट में, क्योंकि पूरी बॉडी एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है, हमें इस तरह के 4 स्क्लेराइट्स मिलेंगे। क्योंकि नीचे की तरफ स्टर्नाइट नाम का स्क्लेराइट होता है वेंट्रल साइड पे, फिर ऊपर की तरफ टर्गाइट होता है और लेटरली दोनों तरफ, दोनों साइड में 2 प्लूराइट होते हैं। तो टोटल 4 हो गए। तो इसका आंसर होगा 4 स्क्लेराइट्स हमें हर एब्डोमिनल सेगमेंट में या बॉडी के हर सेगमेंट में मिलेंगे, 1 वेंट्रल, 1 डॉर्सल और 2 लेटरल पोजिशन में। इसके बाद हमसे पूछा है कि कॉकरोच के एब्डोमेन में कितने टर्गा और स्टर्ना होंगे। टर्गा यहाँ पर हम टर्गाइट की बात कर रहे हैं और स्टर्ना हम बोल रहे हैं स्टर्नाइट्स को। तो अगर एब्डोमेन को देखें, यहाँ पे हमने पहले ही डिस्कस किया था 10 सेगमेंट्स एब्डोमेन में होते हैं, तो टोटल देखा जाता है कि अगर हम टर्गा की बात करें, डॉर्सल साइड पे बात करें ऊपर की तरफ, तो हर सेगमेंट में एक एक टर्गम होगा। तो हम कह सकते हैं कि टर्गा तो 10 हो गए, लेकिन देखते हैं कि जो लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट होता है वहां पर नीचे वाला वेंट्रल सरफेस वाला स्क्लेराइट नहीं होता, स्टर्नम प्रेजेंट नहीं होता। तो हम कहेंगे कि टर्गा तो पूरे 10 होंगे लेकिन स्टर्ना हमारे पास होंगे 9। हमसे पूछा गया है नेक्स्ट पार्ट में कि मेल और फीमेल कॉकरोच के एब्डोमेन में कितने कितने स्टर्ना हमें दिखेंगे, यानी वेंट्रल सरफेस की तरफ नीचे की तरफ कितनी कितनी प्लेट्स हमें दिखेंगी। तो क्योंकि कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, मेल और फीमेल की बॉडी में कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, तो हम देखेंगे कि मेल के तो पूरे 9 के 9 स्टर्ना विजिबल होंगे लेकिन फीमेल कॉकरोच के एब्डोमेन में सिर्फ पहले 6 क्लियरली विजिबल हैं। क्योंकि जो 7th, 8th और 9th है, जैसा क्वेश्चन में भी कहा हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। जो 7th वाला होता है वो काफी ब्रॉड हो जाता है, बोट शेप्ड हो जाता है, और 8th और 9th वाले स्टर्ना के साथ जुड़कर ये ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच नाम का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर फीमेल कॉकरोच का गोनोपोर होता है, स्पर्माथीकल पोर्स भी होते हैं यहाँ पर, और कोलेट्रल ग्लैंड की ओपनिंग भी इसी ब्रूड पाउच में या जेनाइटल पाउच भी, जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर हमें मिलेगी। तो तीनों क्वेश्चंस को करेक्टली हमने आंसर कर दिया। पहले पूछ रहा है कि हर एब्डोमिनल सेगमेंट में कितने स्क्लेराइट होंगे, तो टोटल 4 स्क्लेराइट्स, 1 वेंट्रली, 1 डॉर्सली और 2 लेटरली सिचुएटेड। फिर कितने टर्गा और स्टर्ना कॉकरोच के एब्डोमेन में विजिबल होते हैं, ऊपर की तरफ तो पूरे 10 हमें दिखेंगे प्लेट्स लेकिन नीचे की तरफ सिर्फ 9 होते हैं, 10th वाला एब्सेंट होता है, तो स्टर्ना 9 हो जाएंगे। फिर पूछा है कि मेल और फीमेल कॉकरोच के एब्डोमेन में हमें कितने स्टर्ना दिखेंगे, तो ये जो 9 स्टर्ना होते हैं इसमें से मेल कॉकरोच में तो सारे विजिबल होंगे लेकिन फीमेल में हम देखेंगे कि पहले 6 क्लियरली विजिबल हैं, बाकी जो 7वां, 8वां और 9वां स्टर्नम है वो आपस में फ्यूज होके ब्रूड पाउच बनाते हैं। और यही रीजन है कि फीमेल का एब्डोमेन मेल के कंपैरिजन में काफी ब्रॉड या चौड़ा हो जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।